हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो अपने आप को मैं बहुत खुशनसीब मानूंगा कि आप सब लोग जो भी अपने डेली लाइफ में जो जो प्रॉब्लम फेस करते हो स्टूडेंट वीजा को लेकर। आप बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे डेली बेसिस पर कॉल करते हैं, अपने प्रोफाइल के बारे में स्टेटस बताते हैं और अपने जो जो प्रॉब्लम्स रहते हैं जरूर शेयर करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस काफी शेयर करते हैं। सो उन सब चीज़ों में मुझे एक चीज जो लास्ट फ्यू वीक से मुझे बॉदर कर रही थी कि आजकल मुझे हर हफ्ते ऑन एवरेज 3 से 4 कॉल्स आती हैं उन बच्चों की जिनके ऊपर बैन लग चुका है। ड्यू टू द रीजन उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स एडिट किए थे, मे बी उनके कंसल्टेंट ने कर दिए, कुछ उन्हें जानबूझ के किए थे, उनको पता था क्या कर रहे हैं वो सर। पर जो भी रीजन आओ उनके कारण अब वो बैन लग चुका है, तो उसका सोल्यूशन क्या है। मोस्टली वो बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हम ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर लें या फिर हम न्यूजीलैंड कर लें, हम कहीं और कर लें। तो उनको भी मैं ये चीज़ बोलता हूँ, आपको मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए आपकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं वीक रही थी तभी आपको अपने डॉक्यूमेंट एडिट करने पड़े राइट। और अगर आपको आपकी प्रोफाइल अच्छी होती तो राइट भी मिल जाता ना आपको। आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल ठीक नहीं तभी आपने करा, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करें फिर ट्राई करें। आपके एकेडमिक्स वीक हैं तो पहले आप यहाँ पर एजुकेशन करें ठीक है। आप अपनी बैचलर्स करें, 3-4 साल की बैचलर्स करें, अच्छे मार्क्स लें, अच्छी परसेंटेज लें, फिर आप ट्राई करें। अगर आपको इतना नहीं लगा सकते आप टाइम तो फिर आप पासवर्ड प्रोग्राम ऑफ कर सकते हैं, सिंगापुर में पढ़ लें, साइप्रस में पढ़ लें, अच्छे कॉलेजेस में रेलेवेंट कोर्सेज में, मॉरिशस में पढ़ लें, वहाँ पर अच्छे मार्क्स लें, अच्छा आई स्कोर करें, फिर ट्राई करें। बट राइट अवे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ना ट्राई करें। देखिए पहले आपकी प्रोफाइल वीक है वो रीजन के कारण और आप पर जो बैन लगा उन रीजन के कारण फिर आपको वीजा मिलने के चांसेस काफी कम हो सकते हैं, क्योंकि आपने पहले पैसे खराब करे। आप राइट अवे पैसे ना खराब करें, प्रोफाइल इंप्रूव करें फिर आगे जाएं ठीक है। और जो जो आपने फेस किया, जो आप प्रॉब्लम फेस करें, आप मेरे साथ तो शेयर करते रहते हो और भी बहुत लोग अच्छे कंसल्टेंट के साथ करते होंगे, बट प्लीज थोड़ा पब्लिक में अपने सराउंडिंग में अपने फ्रेंड्स को अवेयर करें, इसको ज्यादा बेइज्जती ना समझें। कि देखिए अगर आप लोग ओपन अप होकर सबको नहीं बताओगे तो फिर बाकी सबको इस चीज के बारे में कैसा पता लगेगा। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ भाई मेरे वो फ्रेंड ने एडिट किए तो उनका तो वीजा आ गया, हमारा नहीं आया, हमारी तरफ प्रॉब्लम। उनको देख के बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं और आपको पता है आपने भी ऐसे अपने फ्रेंड्स को देखकर या कहीं किसी को सुना होगा उसने भी किए थे उसका भी चला गया बट उन कारण आप पर बैन लग गया। बहुत सारे एक्चुअली इन रियल काफी लोगों में सिचुएशन पता नहीं कि बैन ज्यादा लग रहे हैं और बच्चे पर जो इम्प्रूव जो बच्चे जा रहे हैं। बस ये है कि हम जो एक बेइज्जती कह लीजिए या हमारी ईगो हर्ट हो जाती है जो भी रीजन समझ लीजिए उस कारण हम चुप हो जाते हैं, किसी को बताते नहीं है, और जो लोगों का हो जाता है वो अपनी खुशी से पागल होते हैं, वो सबको बताते फिरते हैं। सो ट्राई करें, अब जो भी आप प्रॉब्लम इस चीज़ को पहले इम्प्रूव करें और जो आपने प्रॉब्लम फेस किए सबके साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे और जो गलती आपने दोहराई वो ना दोहराए। एंड बाकी अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप में से जो भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहा तो प्लीज़ मुझे याद से इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, सबसे नीचे उसका लिंक है। वहाँ पर मैं ऑन डेली बेसिस काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन आंसर करता रहता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में क्वेश्चन सीकर डाल देता हूँ और आप सब पूछ लेते हो, जब मेरे दिन में टाइम लगता है आंसर करने की आप सबको पूरी कोशिश करता हूँ। और कॉलेज की अपडेट्स कैसे कई बार आजकल हम वीडियो नहीं डाल पाते या फिर कोई कॉलेज अभी ओपन हुआ है बंद हो गया फिर दोबारा ओपन हो रहा है, छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं वहाँ पर हम रेगुलर बेसिस में शेयर करते हैं, तो जरूर वहाँ पर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन राइट अवे जल्दी मिल जाती है। बाकी अगर आप वीडियो ठीक लगी लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।